हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास सेवन्थ की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे और जिसमें हम एक्सरसाइज बी की ओर बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों, हमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होता है, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को आज हम जानेंगे। तो बच्चों, एक्सरसाइज से आने से पहले हमें कुछ थ्योरम पार्ट को देखना होगा, तो कुछ नॉलेज ले लेंगे तभी हम जाकर एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर को। तो बच्चों, हमें अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे हमारे ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं और डिवीजन होते हैं। चार ऑपरेशंस हम करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं का आज हमें ऑपरेशन करना है, ठीक है, कि कौन कौन सा लॉ किस में फॉलो करता है, कौन सा लॉ किस में नहीं फॉलो करता है, यही चीज़ हमें आज पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों, ये चारों चीज़ों में पढ़ना होगा। कई सारे लॉ हैं, वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे ताकि एक एक चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाए। बच्चों देखो, ये चीज़ आपकी लाइफ में कभी काम नहीं आने वाली है, ठीक है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। कि आप किसी मान लो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो कोई जो रिजल्ट आता है उस पर फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको ये समझना होगा। तो बच्चों चलो, हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने सिलेबस को और देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बच्चों, ये लिखा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन इंटीजर्स। इंटीजर क्या मतलब बताया था मैंने, इंटीजर क्या मतलब बताया था मैंने, आप ये नोट करने से पहले इंटीजर बताओ क्या होता है, मैंने वो पढ़ा रखा था। मैंने पढ़ा रखा था कि अगर मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे लगे 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हो, डिनोमिनेटर बोलते हो। क्या बोलते हो, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर बोलते हो। इसे क्या बोलते हो, न्यूमरेटर। यही तो बोलते हो, ठीक है। तो बच्चों, डिनोमिनेटर हमारा जब वन के अलावा कुछ और हो, मतलब वन ना हो कुछ और हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ये क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। सब बता चुका हूँ आपको, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था ये फ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन अगर यहाँ पे 3 ना हो, 1 हो, जैसे मान लो मैंने नंबर लिख दिया 2, ठीक है, तो 2 के अपॉन में आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जब किसी नंबर के अपॉन में 1 होता है तो ये क्या कहलाता है, एक इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। बात समझ में आ गई बच्चों, ये अलग बता रहा हूँ, अभी इस पे मैं नहीं आया हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, पिछली चीज़ रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों, इसे क्या बोलते थे, इंटीजर बोलते थे, आपको याद है, ठीक है। तो बच्चों, यही चीज़ आपको समझना पड़ेगा। मान लो 4 लिखा हुआ है, तो 4 क्या है, इंटीजर है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसके अपॉन आप 1 लिख सकते हो, और या फिर नहीं लिखोगे तभी कोई बात नहीं है, ठीक है। मान लो 5 लिखा हुआ है तो आप कह सकते हो, सर इसके नंबर, इसका अपॉन 1 है, आप नहीं कहोगे तभी कोई बात नहीं है। आपने लिखा -2 के अपॉन आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, ठीक है, -2 के अपॉन 1। ये क्या है, एक इंटीजर है। ये क्या है, इंटीजर है। ये क्या है, इंटीजर है। लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर में 1 ना हो करके कुछ और हो जाता तो आप कहते हैं, सर ये फ्रैक्शन है। क्या ये फ्रैक्शन है, मैंने आपको सारी बातें बता दी थी, ठीक है। आपका काम है कि आप पिछला क्लास रिविजन करके तभी यहाँ पर आए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, आपको पता चल गया इंटीजर क्या होता है, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या क्या चीज़ों को पढ़ाई थी। आ जाओ, तो लिखा हो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब बच्चों हिंदी में होता है गुण, ठीक है। पूर्णांकों के इंटीजर्स में एडिशन के गुण, मतलब कि एडिशन में क्या क्या उनके गुण हो सकते हैं और इनके सब्ट्रैक्शन में क्या क्या गुण हो सकते हैं। मैं हिंदी का यूज कर रहा हूँ, क्या क्या गुण इनके हो सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये चीज़ें आपको एडिशन में भी पढ़ना है और ये चीज़ें सब्ट्रैक्शन में पढ़ना है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों चीज़ों को एक साथ कंपैरिजन करके पढ़ाया जाए ताकि आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें इजी हो जाएं। बात समझ में आ गई। तो चलो बच्चों, लिखते हैं। हमारी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी लिखिए, मैं लिख रहा हूँ इसके, मैं समझाऊंगा अभी, लिखिए। अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, ये बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी लिखा हुआ, ये वाला क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉमा, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। मैंने क्या बताया बच्चों, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करो तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। देखो क्या लिखो, सम ऑफ टू इंटीजर्स। सम मतलब क्या होता है,
सम मतलब होता है बच्चों जोड़, ठीक है, योग करना, जोड़ना दो नंबर्स को, ठीक है। इज ऑल्सो एन इंटीजर, क्या होगा, एक इंटीजर होगा। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे लिखूँ लिखेंगे, जैसे मैं कह दूँ फाइव, फाइव क्या बच्चों, फाइव क्या है, तो आप कहेंगे सर फाइव एक इंटीजर है कि नहीं है, और मैंने फाइव में ऐड किया नाइन, फाइव में ऐड किया, देखो एडिशन का पढ़ रहे हैं ना बच्चों, इस तरफ हम एडिशन पढ़ेंगे, उस तरफ हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने कहा फाइव प्लस नाइन, तो आपने कहा सर इसका, मैंने कहा इसका सम क्या आएगा, तो आपने कहा फोर्टीन आएगा, क्या आएगा फोर्टीन, तो आपने कहा ठीक है सर, मैंने कहा कि देखो ये फाइव है एक इंटीजर है, ये भी क्या है एक इंटीजर है, ये देखो लिखो इंटीजर, आई एन टी ई जी ई आर, इंटीजर ये भी है, ये भी क्या है एक इंटीजर है, और इसका जो सम आया वो भी क्या है इंटीजर है। बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया माइनस फाइव प्लस टेन, माइनस फाइव प्लस टेन, बताओ बच्चों ये एक इंटीजर है कि नहीं है, तो आपने कहा सर हाँ ये एक इंटीजर है, ठीक है, ये क्या बच्चों एक इंटीजर है। तो मैंने कहा माइनस फाइव में आप टेन ऐड कर रहे हैं, तो बच्चों इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आपको मैं ऐसे चीज़ सिखा चुका हूँ, क्या होगा इस रिजल्ट, आप कहेंगे सर प्लस का फाइव होगा, प्लस फाइव होगा। तो बच्चे ये भी क्या है एक इंटीजर है, क्या है एक इंटीजर है कि नहीं है, है। तो बच्चों ये चीज़ें आपकी हो गई। तो बच्चों मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि बातें आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाए, एक और छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ नाइन है प्लस फाइव है, बच्चों ये हो चुका है एट प्लस माइनस थ्री, ठीक है बच्चों, मैं एट में माइनस थ्री को ऐड कर रहा हूँ, मैं एट में माइनस थ्री को ऐड कर रहा हूँ, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। आपने कहा सर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, अब सॉल्व तो आपने करना सीख लिया है, बच्चे क्या आएगा फाइव आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा फाइव आ रहा होगा। तो ये भी बच्चों क्या है इंटीजर है, ये भी क्या है इंटीजर है, ये भी क्या है इंटीजर है। तो आपने भी देखा कि अगर मैं दो इंटीजर्स को ऐड कर रहा हूँ तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है एक इंटीजर आ रहा है, मैं दो इंटीजर्स को ऐड कर रहा हूँ तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है इंटीजर आ रहा है, मैं दो इंटीजर्स को ऐड कर रहा हूँ तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है इंटीजर आ रहा है। इसको यहाँ पर लिख लेंगे इंटीजर ये भी है इंटीजर, ये भी क्या है इंटीजर, ये भी क्या है इंटीजर, ठीक है बच्चों। मैं बोल भी दे रहा हूँ थोड़ा सा, मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ। तो बच्चों आपको मैंने समझाया कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कि अगर मैं दो इंटीजर्स को ऐड कर रहा हूँ तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा एक इंटीजर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आ जाओ बच्चों चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन की ओर। इसमें लिखेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी कॉमा, पूरा यूज कर रहा हूँ चुम से, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। मैंने क्या लिखा क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब यहाँ पे बच्चों मैं बात क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मैं दो इंटीजर्स का डिफरेंस ले लूं तो जो हमें नंबर मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा एक, वो भी क्या होगा एक इंटीजर ही होगा। वही मैंने बात यहाँ पे लिखी है, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर, टू इंटीजर्स का अंतर इज आल्सो एन इंटीजर, क्या होगा एक इंटीजर होगा। मैं आपको दोनों लैंग्वेज समझा रहा हूँ बच्चे। देखो बच्चों मैं हिंदी का यूज क्यों करता हूँ, मैं हिंदी का यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि जैसे आप लोग, हम लोग एक हिंदी बोलने वाले समाज में रहते हैं, ठीक है, तो बच्चों हम लोग हिंदी का यूज करते हैं ताकि आपको इंग्लिश में चीज़ें समझा सके। अगर मैं टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश बोल के आपको समझाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए हमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाने के लिए हिंदी का ज़्यादा यूज करना पड़ता है, ठीक है, बाकी मैं सारी चीज़ें इंग्लिश में ही आपको लिखाता हूँ, ठीक है। तो बच्चों आ जाओ, मैंने कहा मैंने एक नंबर लिया फाइव, ये क्या बच्चों इंटीजर है, माइनस सब्ट्रैक्शन का पड़ रहा है तो माइनस लगाया, और मैंने कहा थ्री, ये भी क्या बच्चों एक इंटीजर है। आपने कहा सर ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और जब मैंने फाइव में से थ्री को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला टू, सर ये भी क्या होगा एक इंटीजर होगा। आपने देखा, देखा नहीं देखा, देख लिया आपने। तो बच्चों मैंने कहा अगर दो इंटीजर्स का डिफरेंस लें तो हमें जो नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा एक इंटीजर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे
मैंने कहा माइनस फाइव माइनस सेवन, मैंने कहा माइनस फाइव डिफरेंस सेवन का रिजल्ट क्या होगा, तो आपने कहा सर ये क्या है, एक इंटीजर, ये भी है एक इंटीजर, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बच्चों, आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस ट्वेल्व, ये भी बच्चे क्या है एक इंटीजर, ये ट्वेल्व है बच्चे टू है, ये भी क्या होगा एक इंटीजर ही होगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा माइनस सेवन माइनस माइनस सेवन, ठीक है, ये क्या बच्चे एक इंटीजर है, ये क्या बच्चे ये भी इंटीजर है, तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे बच्चे, ये क्या होगा, ये क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस सेवन, और माइनस सेवन कितना आएगा बच्चों रिजल्ट जीरो आएगा। बताओ बच्चे जीरो एक इंटीजर है कि नहीं है, मैंने पढ़ाया था बच्चे जीरो भी क्या है एक इंटीजर ही है, जीरो भी क्या है एक इंटीजर ही है, बात समझ में आ गई। तो बच्चों इस प्रकार देखा आपने कि जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, वो दोनों में फॉलो हो रही है। क्या है प्रॉपर्टी, कि अगर दो नंबर्स का हम सम लें जो दोनों इंटीजर हों तो वो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा इंटीजर आएगा, अगर दो नंबर्स हों दोनों इंटीजर हों तो उनका सब्ट्रैक्शन करें उनका डिफरेंस लें तो जो नंबर हमें मिलेगा जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो भी क्या होगा एक इंटीजर होगा। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आप इन्हें नोट कर लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए आप इसे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी क्या है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, दोनों में हम पढ़ेंगे किसमें फॉलो करता है किसमें नहीं फॉलो करता है, दोनों में देखेंगे। तो बच्चों आप इसमें लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूँ आप वही उतारेंगे धीरे धीरे, लिखिए एडिशन इज कोमुटेटिव फॉर इंटीजर्स, इसे बोलते हैं दैट इज, ठीक है बोलते हैं दैट इज, इसका मतलब यह है कि द रिजल्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। ये क्या लिखा हुआ बच्चों, ये बच्चों ऑर्डर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है फॉर इंटीजर्स, एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ जो होती है वो फॉलो करती है, मतलब इसका ये हुआ कि जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर्स के ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है आइए देखते हैं क्या मतलब है इसका, जैसे मैं कह दूँ कि आपके पास बच्चों दो इंटीजर्स हैं, जैसे मैंने कहा नाइन प्लस फाइव, इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, तो आप कहेंगे सर 14 आएगा, आपको आपने पढ़ रखा है, एग्जांपल फर्स्ट लिख लेना बच्चों, एग्जांपल फर्स्ट है ये, तो मैंने कहा 9 प्लस 5 इक्वल टू क्या आया 14, ठीक है अब फिर मैंने कहा इनका ऑर्डर चेंज कर दो, इनका ऑर्डर क्या करो चेंज कर दो, मैंने कहा इसको 5 प्लस 9 कर लो, मैंने 5 को यहाँ ले गया 9 को यहाँ ले आया, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों 14 ही आएगा। तो वही बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर दो इंटीजर्स को आप ऐड कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्ट होगा वो इनके ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करेगा, ये आप 9 को इधर लिखो 5 को इधर लिखो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है आपने देखा कि इसका भी रिजल्ट 14 इसका भी रिजल्ट 14, यानी कि ये रिजल्ट क्या है आपका सेम आया नो डिफरेंस आया, मतलब कि ये जो एडिशन होता है वो इंटीजर्स के ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है, कब कब जब एडिशन कर रहे होंगे। ठीक है एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टू देखो बच्चों, मैंने कहा एक नंबर मेरा माइनस 14 प्लस
माइनस 7, इन दोनों को बच्चे मुझे ऐड करना था। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, आप बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, आप करके बताओ कितना आएगा, -21। अब मैंने जल्दी से लिख दिया क्योंकि आप क्लास 7th में हैं और आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, इन्हें हम कैसे इन्हें ब्रेक करते हैं, कैसे इन्हें हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कि -14 में -7 ने ऐड किया तो हमें क्या मिला, -21 मिला। अब इसी का ऑर्डर चेंज करते बच्चों, मैंने कहा -7 + -14। अब बताओ बच्चों क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, माइनस का 21 ही रिजल्ट आएगा। ये भी क्या रहा, सेम रहा, यानी कि ये बातें हमारी प्रूव हो चुकी हैं कि जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो एडिशन में फॉलो करता है, यानी कि आप इनका ऑर्डर चेंज कर दें, रिजल्ट पर हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ आ गई, ये बातें बच्चों को समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो बच्चों इस पे आते हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा है, इस पे भी लिख लो, सब्ट्रैक्शन इज नॉट, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, कोमोटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है, दैट इज द रिजल्ट, आर ई एस यू एल टी है, द रिजल्ट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। क्या कह रहा है ये, कि सब्ट्रैक्शन में ये चीज रूल फॉलो नहीं करता है, अगर आपने नंबर्स के ऑर्डर को चेंज किया तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, इसमें बच्चों एग्जांपल फर्स्ट देखेंगे हम, एग्जांपल फर्स्ट देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मैंने 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, तो बच्चों बताओ 9 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। बस समझ आ गई, मैंने कहा बच्चों ऑर्डर चेंज कर दो, मैंने कहा ऑर्डर चेंज कर दो, हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा 5 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो बच्चे आपने सीखा है इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 4 आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, चेंज हो गया, यानी कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती है, यानी कि ये क्या है, हमारा रिजल्ट इज डिफरेंट, आर ई एस यू एल टी, रिजल्ट इज डिफरेंट, रिजल्ट क्या है हमारे, अंतर है, उनमें अंतर आ गया है, ठीक है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती है, ठीक है। आ जाओ बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, एग्जांपल 2 देखो, जैसे मैंने कहा हमारे पास एक नंबर है -5 - -3, ये हमारा नंबर था, तो मैंने कहा बच्चों आपको इन्हें सॉल्व करो, तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -5, अब ये बच्चों हो जाएगा +3, क्या कितना आएगा, -2 आपको मिल रहा होगा। मैंने कहा इसका ऑर्डर आप चेंज कर दीजिए, आपने कहा सर ठीक है मैं -3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ -5 को, तो आपने देखा कि आपने -3 में से -5 का कितना जाएगा बच्चे, ये -5 क्या हो गया, +5, और ये बच्चों आएगा रिजल्ट हमारा 2। तो आपने फिर देखा कि जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है, डिफरेंट है, मतलब कि आपने देखा कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन में फॉलो करती है, यानी कि आप अगर 2 इंटीजर्स को ऐड कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट आएगा इनके ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा, आप ऑर्डर कुछ भी रखिए ये दोनों रिजल्ट हमेशा क्या देंगे, सेम देंगे। लेकिन बच्चे सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, अगर आपने नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया तो आपके रिजल्ट भी क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। बात समझ आ गई, तो बच्चों आपको मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, आप इन्हें नोट करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए इसे।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या है एडिशन में, ये क्या है सब्ट्रैक्शन में, दोनों बातें हम समझ रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको भी लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ इसे, लिखो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बच्चों प्रॉपर्टी लिखेंगे इसे, कॉमा थ्री इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, यहाँ पे लिखना इन एनी ऑर्डर कॉमा द रिजल्ट विल बी सेम। अब इसका क्या मतलब बच्चों, ये बच्चों देखो, ये अभी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, बाकी है ये बिल्कुल वही। ठीक है, मैंने बताया था कि एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है एडिशन में, कि जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं उनके ऑर्डर को आप चेंज कर दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नई प्रॉपर्टी बना दी गई है कि अगर आप थ्री इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, उन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड करिए, उनके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों बात तो वही है। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने बताया था एक ही एग्जांपल लेंगे इसमें, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये एग्जांपल। देखो क्या कह रहा है एग्जांपल, फर्स्ट जैसे मैंने कहा माइनस टू प्लस माइनस इलेवन माइनस प्लस टू, मैंने कहा इसी को बच्चों को ऐड करना है। ठीक है, चल नंबर ये चेंज कर लो, आप सिक्स कर लो इसे, रिजल्ट क्या होगा। तो बच्चों आप जब इसे ऐड करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका रिजल्ट जो मिल रहा होगा, तो आप देखेंगे कि अगर मान लो मैं पहले इन दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो बच्चों क्या रिजल्ट आएगा, माइनस टू और ये हो जाएगा माइनस इलेवन, माइनस टू माइनस इलेवन कितना हो जाएगा माइनस थर्टीन, माइनस थर्टीन इनको जोड़ने पाया, और माइनस थर्टीन के बाद आप इसमें कितना ऐड करिए, सिक्स ऐड करिए, माइनस थर्टीन प्लस का सिक्स कितना आएगा बच्चों, माइनस सेवन आएगा। चलो ये पहला तरीका हुआ। फिर मैंने कहा बच्चों आप इस बार इसको और इसको पहले ऐड करना, फिर लास्ट में इसको ऐड करना। आपने कहा सर माइनस टू ये प्लस सिक्स और प्लस माइनस इलेवन। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों आप इन दोनों को ऐड करो, पहले प्लस का सिक्स माइनस टू कितना आएगा बच्चों, प्लस फोर, प्लस फोर में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे माइनस इलेवन, प्लस फोर माइनस इलेवन कितना आएगा बच्चों, माइनस सेवन। ओके बच्चों, अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा एक काम करो, पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो, तो आपने कहा माइनस टू प्लस माइनस इलेवन प्लस सिक्स। ठीक है, तो बच्चों पहले आप इन दोनों को ऐड करो, तो माइनस इलेवन प्लस सिक्स कितना है बच्चों, माइनस फाइव, माइनस फाइव में आप माइनस टू ऐड करेंगे, माइनस टू सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बच्चों, माइनस का सेवन। आपने देखा बच्चों आपने किसी भी ऑर्डर में नंबर को ऐड किया लेकिन उनका रिजल्ट क्या रहा, सेम रहा, कोई डिफरेंस नहीं आया। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो एडिशन होता है वो आप नंबर्स को किसी भी रूप में ऐड करो, किसी भी फॉर्म में ऐड करो, लेकिन का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। आपने पहले इन दोनों को ऐड करके इसे ऐड किया तब भी रिजल्ट माइनस सेवन, आपने पहले इन दोनों को ऐड करके फिर उसमें माइनस इलेवन ऐड किया तब भी आपको रिजल्ट माइनस सेवन, आपने पहले इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को ऐड करके फिर इसके ऐड किया तब भी रिजल्ट क्या आया, माइनस का सेवन आया, कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है एडिशन में फॉलो करती है, यानी कि आप नंबर्स को किसी भी फॉर्म में किसी भी ऑर्डर में ऐड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमारा हमेशा सेम ही होगा। आ जाओ बच्चों थोड़ा सा और देख लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो करती है कि नहीं, लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, अर्थात या फिर दैट इज थ्री इंटीजर्स कैन नॉट बी एडेड इन एनी ऑर्डर
टू गिव द सेम रिजल्ट। बच्चों अब इसका क्या मतलब हुआ आप इसे भी समझ लेंगे। जैसे बच्चों मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बताया था कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन में फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं फॉलो करती है। अगर आप दो नंबर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, आपने उनका ऑर्डर चेंज किया, तो रिजल्ट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो बच्चों जब दो नंबर्स को पलटने से, दो नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप थ्री नंबर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे, उन्हें पहले किसी और नंबर से बाद में किसी और नंबर से ऐड करेंगे, तो रिजल्ट तो चेंज होना ही है। तो इसमें क्या होगा, ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं एग्जांपल के। देखो जैसे मैंने कहा चलो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे से आप तो आपको दिखेगा माइनस टू माइनस सेवन कितना है बच्चों, आप कहेंगे सर माइनस नाइन, माइनस नाइन। अब बच्चों आप इन इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस प्लस का एट, माइनस नाइन प्लस का एट, बताओ बच्चों कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर इसका रिजल्ट आ रहा होगा प्लस माइनस का वन। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों थोड़ा सा रिजल्ट चेंज करते हैं। माइनस टू इसको ऐसे रहने देते हैं माइनस। अब ये देखो बच्चों, अब हम इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों के साथ कर माइनस सेवन माइनस माइनस एट, कोई डिफरेंस नहीं लिखा बच्चों ने, सेम लिख दिया है। ठीक है, अब बच्चों पहले आप इन्हें सॉल्व करो। माइनस सेवन माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा प्लस का एट, माइनस सेवन प्लस का एट कितना आएगा, इधर आएगा बच्चों ये आएगा माइनस टू माइनस, ये कितना आएगा बच्चों प्लस का वन आएगा, प्लस वन आएगा। ठीक है, तो बच्चों आप इसे सॉल्व करो। माइनस टू माइनस प्लस क्या होगा बच्चों, माइनस वन कितना है बच्चों, माइनस का थ्री। आपने देखा जैसे ही आपने ऑर्डर चेंज किया बच्चों सब्ट्रैक्शन का, आपने जैसे पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिया, फिर इसमें ये वाला सब्ट्रैक्ट किया, फिर आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, तो बच्चों आपका आंसर चेंज हो गया। ठीक है, पहले आपका आंसर आता माइनस का वन, अब आपका आंसर आ माइनस थ्री, मतलब कि रिजल्ट इज डिफरेंट। क्या लिखेंगे, रिजल्ट इज डिफरेंट। बात समझ में आ गई, तो ये हो गया बच्चों आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो बच्चों अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बाकी हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसे नोट कर पाओ। आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इस क्लास को आगे बढ़ा रहे होंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे। ये बच्चों आपका थ्योरम क्लास था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।